राइट द मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कम्पाउंड्स स्टेप वाइज तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में किया था एक बार मैंने उसका एक वीडियो बना रही हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए और इट वुड बी अ क्विक रिकैप सोडियम क्लोराइड तो स्टेप वन है उसका सिम्बल सोडियम का सिंबल है एन ए क्लोराइड का सिंबल है सी एल स्टेप टू में करने का बैलेंसी सो पहले वापस सिंबल लिख दो एन ए न, लिख दिया और सी ए लिख दिया थोड़ा दूर एन ए के ऊपर उसका बैलेंसी लिखो प्लस वन क्लोरीन के ऊपर उसका वैलेंसी लिखो माइनस वन स्टेप थ्री इज क्रॉस मल्टीप्लाई सो एन ए सी एल प्लस वन माइनस वन क्रॉस लेकिन याद रखना है वेन नंबर्स आर सेम नंबर्स आर सेम चाहे वो प्लस वन माइनस वन हो प्लस टू माइनस टू हो प्लस थ्री माइनस थ्री हो तब क्रॉस नहीं करेंगे ये जो है यही तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा सो so, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया एन ए सी एल वेन एवर द नंबर्स आर सेम हम क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम लोग सोडियम बाय कार्बोनेट तो पहला स्टेप है वापस सिंबल, सोडियम का एन ए बाय कार्बोनेट का एच सी ओ थ्री स्टेप टू इज बैलेंसी तो पहले वापस लिख देंगे एन एच सी ओ थ्री बैलेंसी प्लस वन माइनस वन वापस नंबर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई स्टेप थ्री में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सिर्फ दिखाना है एन ए एच सी ओ थ्री ये प्लस वन ये माइनस वन ऐसा सिर्फ साइन दिखाना है पर क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि नंबर सेम है तो ये हो जाएगा एन ए एच सी ओ थ्री ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला सोडियम बाय कार्बोनेट का दो और एग्जाम्पल्स करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉस्फेट सिंपल करते हैं एल्युमिनियम का इज़ ए एल फॉस्फेट का इज पी ओ फोर अभी वैलेंसी तो पहले लिख दो ए एल एंड पी ओ फोर वापस एल्यूमिनियम इज प्लस थ्री पी ओ फोर इज़ माइनस थ्री अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं नंबर सेम है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सिर्फ ऐसा शो करेंगे सो यू विल नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट राइट ए एल पी ओ फोर ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला नेक्स्ट कर रहे हैं एक और कॉपर नाइट्रेट सिंबल है सी यू नाइट्रेट का सिंबल है NO3। थ्री तो ये कॉपर का सी यू नाइट्रेट का NO3। थ्री अभी वैलेंसी लिखना है तो वापस सी यू लिखो और एन ओ थ्री लिखो इनके ऊपर इनकी, इनकी वैलेंसी लिखो कॉपर प्लस टू नाइट्रेट इज माइनस वन अब करेंगे क्रॉस वापस लिखा सी यू एन ओ थ्री दिस इज प्लस टू दिस इज़ माइनस वन एंड नाउ यू विल डू क्रॉस याद रखना है केमिस्ट्री कभी भी हम लोग केमिस्ट्री में वन नहीं लिखते हैं तो सी यू लिखोगे एन ओ थ्री लिखोगे क्योंकि पूरा एन ओ थ्री का बैलेंस ही माइनस वन है तो टू भी पूरे के नीचे लगेगा तो ऐसे ब्रैकेट डाल के पूरे के नीचे टू लिखोगे देखो टू इसके नीचे वन इसके नीचे पर हम लोग केमिस्ट्री में वन नहीं लिखते हैं तो सी यू एन ओ थ्री के नीचे पूरा टू दिस इज़ कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला अभी फॉर्मूलाज तुमको दिया होगा और तुमको नाम लिखने होंगे करते हैं कुछ देखो राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड के टू सी ओ थ्री तो के इज वॉट पोटेशियम एंड सी ओ थ्री इज वॉट कार्बोनेट तो हो इसका नाम हो गया पोटेशियम कार्बोनेट एन ए ओ एच एन ए इज वॉट सोडियम एंड ओ एच होता है हाइड्रो ऑक्साइड तो ये हो गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अभी Cu क्या होता है कॉपर NO3 क्या होता है नाइट्रेट तो ये हो गया कॉपर नाइट्रेट Fe क्या होता है आयन एंड OH होता है हाइड्रो ऑक्साइड लेकिन इसका नाम आयन हाइड्रो ऑक्साइड नहीं होता है ये थ्री है ना इस थ्री को हमेशा ऊपर लिख देने का जब भी आयन रहेगा तो यहाँ पे जो रहेगा उसको क्रॉस कर देने का उल्टा सो so इसका मतलब Fe का बैलेंस प्लस थ्री है प्लस थ्री रहेगा तो इसका नाम है फेरिक मैंने तुम लोगों को लिखा है फेरिक हाइड्रो और प्लस टू रहेगा तो उसका नाम मुझे जाएगा फेरस हाइड्रो तो सो ये आयन नहीं आएगा ये आएगा फेरिक हाइड्रो अभी इसमें के क्या होता है पोटैशियम एन होता है क्लोराइड क्लोरी नहीं क्लोराइड अभी ये इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड आसेड। ये एसिड्स है इसलिए इनके नाम थोड़े अलग हैं जो तुमको लर्न करने हैं एच टू फोर को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड अभी ये तो सिंपल है ए एल इज एल्यूमीनियम एंड सी एल इज क्लोराइड अगेन सी ए इज कैल्शियम एंड SO4 इज सल्फेट एन ए इज़ सोडियम एंड SO4 क्या होता है सल्फेट। तो ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट